सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा ब्रीफ पंजाब चैनल विच। दोस्तों, पंजाब दी धरती गुरुआं पीरां अवतारां ते रहबरां दी धरती है। इस धरती उत्ते समय समय ते अनेकां योधियां ने जन्म लिया अते जुल्मां विरुद्ध आवाज़ बुलंद कीती, पर इसे धरती उत्ते नशे दा कारोबार भी बहुत पुराना है। ये अंकड़े दसदे हन कि पंजाब विच इकल्ले शराब पीण वालियां दी गिनती भी दूजिया स्टेटा के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। पर शराब तो अलावा होर नशे जिमें अफीम पोस्त वर्गियां दी वरतों भी पंजाब विच काफ़ी लंबे समय तो चली आ रही है। 20वीं सदी विच पंजाब विच ज़्यादा रुझान अफीम पोस्त शराब का सी, पर 21वीं सदी आउंदे आउंदे पंजाब दे विच अफीम पोस्त तो भी मारू नशे हैरोइन समैक की वरतों होण लगी। पर समैक तो कुछ समा पहला एक दौर अजिहा भी आया सी जदों पंजाब विच मैडिकल नशे के बहुत लोग आदि हो चुके सन, जिन्हां विच शीशियां कैप्सूल आदि आउंदे सन। पर पंजाब दी जवानी का ज़्यादा नुकसान हैरोइन समैक ने किया। जदों बंदा इस नशे की शुरुआत करता है तो उस समय उस कोल पैसे भी होंदे हन ते उस हैरोइन जां समैक नूं साड़ के धुआं खिंचदा, पर जिमें जिमें इसकी लत वधदी जांदी एवें एवें ही यह नशे की गिरफ्त विच जकड़े मनुख की शरीरक आर्थिक हालत भी खराब होने लगती है। हुंदा की अके अखीर जदों पैसे कोल नहीं हुंदे तां वध नशा लैण लई बंदा इसे नशे के टीके लगाउण लग पैंदा, जो एक ना एक दिन उसकी मौत का कारण बनते हैं। पंजाब विच पिछले तकरीबन 20 सालों विच अंकड़े दसते हैं कि सैकड़े मौतां हैरोइन जां समैक दे टीके लगाउण नाल होईआं हन। बेशक हर एक सरकार इस उत्ते काबू पाउण दा ऐलान करदी है, पर ग्राउंड उत्ते इसका कोई असर देखण नूं नहीं मिलता। पर दोस्तों, पिछले तकरीबन 4-5 सालों तो पंजाब विच एक होर मैडिकल नशा बहुत जल्दी अपने पैर पसार रहा है ते हज़ारां नौजवान इस नशे का सेवन कर रहे हैं। इन्हां नूं कहिंदे हन सिग्नेचर कैप्सूल, जिन्हां नूं घोड़े वाले कैप्सूल भी कहा जाता। अज की वीडियो विच आपां इन्हां सिग्नेचर कैप्सूलों बारे दसांगे कि की चीज़ हैं, लोग किवें खा रहे हैं ते किवें ये हर एक मैडिकल स्टोर उत्ते भी शरेआम विक रहे हैं, इन्हां कैप्सूलों के किहड़े किहड़े गंभीर नुकसान हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी ही जानकारी भरपूर है, कृपा करके वीडियो पूरी सुनियो अते अगे शेयर जरूर कर दिओ, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो नूं देख के कोई सीधे राह ते आ जावे। सो हुण आपां वीडियो शुरू करते हाँ। सिग्नेचर कैप्सूलों का असल विज्ञानिक नाम प्रीगाबलिन 300 हुंदा। ये कैप्सूल NDPS एक्ट के अधीन नहीं आते, जिस करके हर एक मैडिकल स्टोर उत्ते तकरीबन मिल ही जाते हैं। पर कुछ कुछ ज़िलों में ज़िले के DC वालों धारा 144 के तहत इन कैप्सूलों उत्ते रोक लगाई गई है, पर फिर भी ये पंजाब विच करीब शरेआम ही विक रहे हैं। पंजाब के सरकारी मनोविज्ञानिक डॉक्टर अनुसार ये प्रेगा कैप्सूल पहला मिर्गी के मरीजों के इलाज वास्ते तैयार किया गया सी, पर हौली हौली इसके खाण नाल शूगर वाले मरीज भी ठीक होण लगे सन। डॉक्टर अनुसार थोड़ी मात्रा विच लैण ते पहला इस दवाई के कोई ज़्यादा माड़े प्रभाव नहीं पैंदे सन। अज तो करीब 5 साल पहला किसी भी सरकारी डॉक्टर जां होर अधिकारी नूं प्रेगा कैप्सूलों के नशे लिए वरते जाण दा कोई पता नहीं सी। ये कैप्सूल तो सगों जेलां विचले कैदियों नूं आप सरकार वालों दिते जांदे सन, पर जदों कैदियों वालों इन्हां कैप्सूलों नूं ज़्यादा मात्रा विच अते वार वार मंगना शुरू कर दिता तो फिर जाके किते सरकार नूं पता लगा कि ये कैप्सूल नशे लिए वरते जा रहे हैं। दोस्तों, ये गल भी सच है कि भावें दावे किए जाते हैं कि पंजाब दियां जेलां विच बहुत सख्ताई है, कोई क्यों भी कोई चीज नशीली अंदर नहीं जा सकती, पर यह सच्चाई है कि पंजाब विच जदों भी कोई नवा नशा आता तो वह सब तो पहला जेलां विच ही वरत्या जाता, फिर उस तो बाद आम जनता कोल पहुँचता है। ये भी गल सच है कि जो दवाइया नशे लिए वरतिया जाती हैं वो गंभीर बीमारियों बहुत कारगर होंदिया। मिसाल के तौर पर जिमें ट्रामाडोल गोलियां या टीके हैं, ये कैंसर वास्ते बहुत कारगर हैं, पर नशे के तौर पर वर्तन करके बैन कर दिते गए। प्रेगा कैप्सूल या सिग्नेचर कैप्सूलों की ज़्यादा वरतों करने के नाल जिगर अते गुरदे उत्ते बहुत माड़ा प्रभाव पैंदा है।
सिग्नेचर प्रेगा कैप्सूल बनाने वाली कंपनी सी, जिस करके ये सिग्नेचर के नाम नाल ही मशहूर हो गए। ये कैप्सूल सब तो पहला देहरादून की सिग्नेचर कंपनी द्वारा तैयार किए गए सी। ते उस समय 2019 तक इसकी कीमत सिर्फ 4 रुपये प्रति कैप्सूल सी, जिथे अज ये ब्लैक विच करीब एक कैप्सूल की कीमत 40 से 50 रुपये तक पहुँच गई है। हो सकता है कई जिले में इस तो भी वध होवे। 2021 एम्स बठिंडा के सीनियर डॉक्टर ने प्रेगा कैप्सूलों उत्ते एक रिपोर्ट तैयार की सी, जिस विचले अंकड़े हैरान करने वाले हैं। एम्स के डॉक्टर के इन अंकड़िया अनुसार प्रेगा कैप्सूल की वरतों सब तो पहला सब तो वध मालवा खेत्र विच कीती जाती है। इसकी वरतों दर्द तो राहत पाने वास्ते सी। फिर यह अफीम के आदि लोगों को नशा छुड़ाने लिए दिता जान लगा, पर अज ये नशेड़ी एक दिन के करीब 10-10 कैप्सूल खा रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। सिग्नेचर खाने वाले नूं लगता कि इसनों खा के मैं ज़्यादा काम कर सकता हाँ, जिस करके इसनों घोड़े वाले कैप्सूल भी कहा जाता है। जिगर गुर्दे खराब होने के नाल नाल इस कैप्सूल की ज़्यादा वरतों नाल दिमाग के सैलों का बहुत नुकसान होंदा, जिस करके सुभाव विच चिड़चिड़ापन आ जाता। सो दोस्तों, तुहाडे अगे बेनती है कि आपां सारे रल के इस बीमारी नूं जड़ों खत्म करिए। अते वीडियो पूरी देखने लई तुहाडा धन्नवाद। इस तरह दियां होर वीडियो देखने लई कृपा करके ब्रीफ पंजाब चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, ते ए वीडियो नूं अगे शेयर जरूर कर दियो।